सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग तो गाइस मैं और मेरी बाइक जो है अब इस चैनल पे वापस आ चुकी है बहुत बहुत टाइम से मैंने जो है कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन चढ़ था लॉकडाउन के बाद में मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है और लगभग आठ से नौ मंथ हो चुके हैं लॉकडाउन तब तक मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है और आप लोग बहुत पूछ रहे थे मेरी बाइक को कि भाई बाइक कहाँ है कैसी है किस हालत में है दिखा बोल के तो ये रही मेरी बाइक आपके जस्ट सामने में है तो आज का वीडियो आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मेरे चैनल के बारे में आप लोगों को कुछ अपडेट देना अब से जो है वीडियो रेगुलर आने वाले हैं और किस टाइप से वीडियो मेरे चैनल पर आएंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए सो so गाइस आपसे जो है वीडियो रेगुलर आएंगे मैं और मेरी बाइक ड्यूक वन के साथ डेली कोई ना कोई मैं वीडियो अपलोड जरूर करते रहूँगा और आज का वीडियो है मेरी बाइक के ऊपर मेरी बाइक अभी किस कंडीशन में है और इसके साथ मैं जो है बहुत कुछ मॉडिफिकेशन करने वाला हूं एक साथ तो नहीं करूंगा बट धीरे धीरे करूंगा लेकिन ज़रूर करूंगा तो मेरी बाइक अभी किस हालत में है वो आपको पहले मैं दिखा देता हूं तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा नहीं भी पता होगा तो मैं बता देता हूँ मेरे घर में जो रोड है वो रोड का काम चल रहा है जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा डस्ट उड़ती है और रोड के बगल में ही मेरा घर है तो डस्ट जो है मेरे घर की तरफ आती है घर के बाहर में मेरी बाइक खड़ी रहती है और बाइक काफ़ी जल्दी जो है गंदी हो जाती है तो डस्ट काफ़ी ज़्यादा है अभी मेरी बाइक में देख सकते हैं हालत किस तरीके से है आपको दिखाता भी हूँ एलाइवेल में, में अभी भी कोई चमक नहीं है देख सकते हैं ये कितना डस्ट है ये तो रोड का काम चल रहा है जिसके वजह से मैं बाइक को वॉश भी बहुत ही कम करता हूँ क्योंकि वॉश करने को कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ रोज़ दिन डस्ट बाइक में पड़ते हैं रोज़ गंदी हो जाती है कितना वॉश करूँगा मैं तो बहुत ही कम वॉश करता हूँ फ़िलहाल तभी वॉश नहीं की है बट करूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो चुकी है बाइक और साथ में ये जो नंबर प्लेट है ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से टेढ़ा हो हो के यहाँ पे बेंड हो चुकी है आप लोगों को शायद दिखाई ना दे रही होगी तो ये नंबर प्लेट को भी मैं जो है निकलवाने वाला हूँ और यहाँ पे मैं फिटिंग कराने वाला हूँ ये सौकअप के पास तो यहाँ से मैं निकलने निकलवाने वाला हूँ इसे और पीछे साइड से देखेंगे तो ये लोगों का बहुत पहले लगवाई थी बुलाती है मगर जाने की नहीं अब पुरानी हो गई तो इसको भी निकलवा लूँगा मैं और इधर आप मेडगाट देख सकते हैं मेडगाट मैंने निकाल दिया है मेडगाट निकालने के बाद जो व्यू है ना वो काफ़ी ज़्यादा औसम दिखाई देती है बाइक और अच्छा एक बात और बताना चाहता हूँ बाइक जब इस साइड से गिरी थी तो ये जो क्लच लीवर ये तो टेढ़ी हो चुकी थी बट इसके साथ में जो मिरर लगी हुई थी वो मिलर वो मिररर भी जो है डैमेज हो गई जिसके वजह से मैं दोनों मिरर को निकाल दिया बाहर और मिरर निकालने के बाद मैं बाइक और भी ज़्यादा कूल लगने लगी है तो ये कुछ अपडेटेड थे मेरे बाइक के साथ सो so, ये थी मेरे बाइक की कंडीशन अभी तक बाइक सही सलामत चल रही है प्रॉब्लम अभी तक कोई भी नहीं हो रही है और uh, कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम हुए थे और मेन प्रॉब्लम भी थे वो मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब मैं बाइक का वन ईयर का रिव्यू आपको बताऊंगा उसमें बताऊंगा कि क्या मेन प्रॉब्लम हुए थे और क्या दिक्कतें हुई थी बाकी अभी चलने में बाइक पूरा ओके है चल रही है बाइक में कोई दिक्कत नहीं है सोगा so गाइस आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना शेयर कर देना और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि अब जो है इस बाइक से रिलेटेड मैं कोई भी वीडियो में लेकर आते रहूँगा और मॉडिफिकेशन भी बहुत ही झक्का से वाल करने वाला हूँ तो चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो लाइक करना शेयर करना तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय